नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 21 सितंबर के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट्स यहां पे रहेंगे। तो HPU एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो BBA और BCA इसी के साथ जो BVOC वाले कोर्सेज हैं उनके जारी हुए हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो बात करेंगे। साथ में ही HPU UG रीअपेयर की जो फाइनल डेट शीट है वो कब तक आएगी, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ HPU UG स्पेशल और गोल्डन चांस की जो डेट शीट है उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहने वाला है। साथ में ही HPU PG के जो रिजल्ट्स हैं और जो एग्ज़ाम्स हैं उनके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। साथ में ही BEd की खाली सीटों को ऑन स्पॉट काउंसलिंग, तो इसके रिगार्डिंग भी अपडेट रहेगा। इसी के साथ HPU में एड ऑन कोर्स के लिए काउंसलिंग 23 को, तो उसके बारे में भी जो है वो अपडेट रहने वाला है। तो जो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे HPU BEd की काउंसलिंग की बात करें, तो BEd की खाली सीटों को ऑन स्पॉट काउंसलिंग हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की ओर से जो है वो BEd की खाली सीटों के लिए 23 और 24 सितंबर को ऑन स्पॉट काउंसलिंग करवाई जाएगी। HPU की ओर से इसके बारे में जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। इसमें HPU के साथ जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसके लिए काउंसलिंग करवाई जानी है। इसमें जो है वो यहाँ पे आप लोगों की जो अनरिजर्व कैटेगरी है वहाँ पे 53 मार्क्स और जब रिजर्व कैटेगरी है वहाँ पे 45 मार्क्स होने चाहिए। इसके साथ ही ऑफलाइन माध्यम से ये काउंसलिंग जो है वो करवाई जाएगी। ये कैटेगरी के लिए पोर्टल भी उसी दिन ओपन किया जाएगा। इसमें BEd काउंसलिंग के 3 राउंड करवाए गए थे, अब चौथे राउंड की काउंसलिंग करवाई जानी है। HPU से मिली जानकारी के अकॉर्डिंग जो है वो अभी भी यहाँ पे सीटें खाली चल रही हैं, जिसमें मेडिकल में 600 से नॉन मेडिकल में 413 और आर्ट्स कॉमर्स में 619 सीटें जो है वो खाली हैं। बाकी जैसे अभी इन न्यूज़ पेपर वालों ने बोला है कि 53 और 45 मार्क्स होने चाहिए, लेकिन लास्ट राउंड काउंसलिंग में ये जो मार्क्स की एलिजिबिलिटी है ये नहीं होती है। इसमें जो है वो मे बी अप्लाई सभी कर सकते हैं। बाकी इसके रिगार्डिंग जो भी नोटिफिकेशन है मैं वहाँ से कंफर्म करके आपको जो है वो बता दूंगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका HPU में एड ऑन कोर्स के लिए काउंसलिंग जो है वो 23 को करवाई जाएगी। तो HPU ने जो स्किल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे कोर्सेज स्टार्ट करे हैं उसके लिए जो काउंसलिंग है वो 23 सितंबर को होगी और प्रवेश के लिए 25 सितंबर लास्ट डेट जो है वो होगी। इसके साथ ही जो रेगुलर क्लासेस हैं वो 27 सितंबर से शुरू हो जाएंगी। और नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो HPU ने BBA BCA और जो दूसरे यहाँ पे BVOC वाले कोर्सेज हैं उनके जो एग्जामिनेशन फॉर्म हैं वो जारी कर दिए हैं। तो ये एग्जामिनेशन फॉर्म जो हैं वो रेगुलर और रीअपेयर दोनों छात्रों के लिए रहेंगे और इन फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट है वो 5 अक्टूबर रहेगी। तो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन प्रोफेसर श्यामलाल कौशल ने बताया कि बिना लेट फीस 5 अक्टूबर तक जो विद्यार्थी हैं वो अपने फॉर्म यहाँ पे फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका HPU के जो UG के रीअपेयर के एग्ज़ाम होंगे उनकी डेट शीट से संबंधित रहेगा। तो एग्ज़ाम जो है वो 3 अक्टूबर से ही स्टार्ट होंगे, ये कन्फर्म है, क्योंकि यहाँ पे जो टेंटेटिव डेट शीट है वो आ गई है। लेकिन यहाँ पे कुछ एक सब्जेक्ट ऐसे हो सकते हैं जिनमें चेंजेस भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी फाइनल डेट शीट यहाँ पे आनी है। बाकी जो एग्ज़ाम की डेट रहेगी वो 3 अक्टूबर ही रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला। बीच में कुछ एक सब्जेक्ट्स में जो है वो चेंजेस हो भी सकते हैं और नहीं भी। बाकी जो फाइनल डेट शीट है वो आप लोगों को विद इन वीक यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ HPU के जो UG के स्पेशल और गोल्डन चांस वाले स्टूडेंट हैं उनकी डेट शीट कब तक आएगी, तो वो डेट शीट भी जो है वो आप लोगों की विद इन वीक में यहाँ पे जारी जो है वो हो जाएगी। बाकी इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर जो है वो इन्फॉर्म करूँगा। इसी के साथ HPU PG एग्ज़ाम की बात करें तो HPU PG के जो एग्ज़ाम हैं आप लोगों के वो यहाँ पर नवम्बर लास्ट और दिसंबर में शुरू हो जाएंगे और इसके रिगार्डिंग जो आप लोगों के एग्जामिनेशन फॉर्म है वो अक्टूबर लास्ट और या तो आप लोगों के नवंबर फर्स्ट वीक में यहाँ पे आ जाएंगे। और जो भी रेगुलर प्राइवेट और इकड्यूल वाले स्टूडेंट हैं वो उस टाइम अपने एग्जामिनेशन फॉर्म यहाँ पे भर पाएंगे। नेक्स्ट, अब अगर हम लोग यहाँ पे HPU के जो रिजल्ट हैं PG के उनकी बात करें तो PG के रिजल्ट जो हैं वो अक्टूबर मंथ में आने स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहले जो है वो यहाँ पे फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट आएंगे और उसके बाद जो है वो दूसरे सेमेस्टर के रिजल्ट जारी होंगे। तो जो भी PG के रिजल्ट हैं HPU के वो अक्टूबर मंथ में जो है वो जारी होंगे। तो दोस्तों हमारे आज के कुछ एक अपडेट्स, अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई डाउट है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे ही आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे उसके बाद जो भी आपका डाउट या क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पर मुझे पर्सनली मैसेज कर देना है, जहाँ पर मैं आपके डाउट या क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।